दोस्तों स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल गार्डन गैलरी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोज़ प्लांट की केयर के बारे में। तो इस मौसम में आप रोज़ प्लांट के ऊपर कौन से जो काम है वो कर सकते हो और इनकी जो आप केयर कैसे कर सकते हो और इनके ऊपर आप फूल कैसे ले सकते हो। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनके पास हाइब्रिड रोज़ के जो गुलाब के जो प्लांट्स हैं काफ़ी अच्छे भी नहीं हैं, जिनकी पत्तियाँ सी मच गई है, जल गई है और उनके ऊपर फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। तो अभी वो इस मंथ में जो कौन सा काम है वो कर सकते हैं, तो आज हम नर्सरी में कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो पौधे हैं काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, इनके ऊपर फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे आए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो दोस्तों इन फ्लावर्स का जो फूल है वो कम छोटा साइज है, इनका बड़ा साइज नहीं है। तो दोस्तों ये आपको बता दूं, जो हमारे जो गुलाब की जो वराइटीज़ है, ये बटर रोज है, इनका फ्लावर छोटा ही होता है, बड़े साइज में नहीं होता है सभी के सभी इसमें। और जैसे आप देख सकते हो इसमें रेड कलर है और आपको पिंक कलर भी मिल जाएगा, आप देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। दोस्तों जो पीछे वाले जो हमारे जो रोज़ हैं ये काफ़ी बड़े साइज के खिल जाते हैं, आप देख सकते हो। तो इसमें आज हम नर्सरी में कौन से काम कर रहे हैं आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। तो दोस्तों आगे हम आपको दिखाते हैं कि आज नर्सरी में हम कौन से काम कर सकते हैं और आप भी अपने गुलाब के अंदर कौन से काम कर सकते हो। अगर आपके पास गुलाब पॉट में लगा हुआ है तो उसमें भी आप काम कर सकते हो और कौन सी आप खाद है वो डाल सकते हो, आगे हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, जो हमारा ये गुलाब है काफ़ी जंगल सा बना हुआ है, इसमें आप दिखाई दे सको, जैसे इनकी जो देख सकते हो जो ब्रांच है वो बिल्कुल सूखी हुई है और कुछ ब्रांच की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, मर चुकी है। तो उसमें आप भी कैसे काम कर सकते हो, जो इसमें जो फालतू आप देख सकते हो काफ़ी जो फालतू भी इसमें बहुत सारे जो नदीन है वो भी बहुत सारे इसमें पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो, इन सभी को आपने निकालना है। तो कैसे हम नर्सरी में काम करते हैं, तो दोस्तों देख सकते हो जैसे हमने एक प्लांट ले रखा है और उनकी जितनी भी ऊपर से ब्रांच है जितनी भी बिल्कुल सूख गई है सभी की हम कटाई कर रहे हैं, आप देख सकते हो जितनी भी ब्रांच है सभी की हमने कटाई की, आप देख सकते हो एक एक करके। आप भी ध्यान से जितनी पत्ती हैं जितनी ब्रांच है उन सभी को आप कट कीजिए और इसमें जो नीचे से जितने भी नदीन है वो सभी को आप हटा सकते हो। तो दोस्तों ऐसा करने से क्या हो जाएगा, अभी जो गुलाब है गुलाब के ऊपर फुटारे आने का बिल्कुल सही टाइम है, अभी फ्लावर्स भी आएगा और कली भी आएगी। अगर आप ये काम कर दोगे अपने प्लांट्स के ऊपर, अपने गुलाब के पौधे के ऊपर, जिनकी जो जितनी भी ब्रांच है जितनी भी सूख गई ब्रांच है, जैसे देख सकते हो, जैसे देखिए जितनी भी ब्रांच सूख गई है सभी के ऊपर हमने जो वो काटिंग कर दी है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा पौधा है वो काफ़ी अच्छे से वर भी जाएगा और एक ब्रांच से काफ़ी ब्रांचें वरना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ से कट कर दिया तो देख सकते हो यहाँ से कितनी ब्रांचें बाहर आ रही है। इसी तरह आप भी अपने पौधे को हेल्दी बना सकते हो और नई ब्रांच भी ले सकते हो। जैसे आप देख सकते हो ये ब्रांच बिल्कुल सूख गई है, तो ये देखिए हमने जो सूखी हुई ब्रांच है उसको हमने कट कर दिया है। और आप भी इसी तरह जितनी भी आपकी जो ब्रांच है वो सूख जाएगी सभी को आप इसी तरह हटा सकते हो, ब्रांच आप हटा सकते हो और आपका ये पौधा काफ़ी अच्छा भी दिखाई देगा और इनके ऊपर फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। जैसे देख सकते हो ये नई कलीस आ रही हैं, आपके पौधे के ऊपर भी कलीस आएंगी और आपका पौधा काफ़ी हेल्दी और वरबाई बन जाएगा। तो दोस्तों अब इसमें आप बात करते हैं खाद के बारे में, तो आप इसको हल्का हल्का जो DAP है वो आप लगा सकते हो। अगर आप दाने का DAP जड़ में लगाना चाहते हो तो लगा भी सकते हो, अगर आप DAP को पानी में मिलाकर लगाना चाहते हो तो आप पानी में DAP मिलाकर रखें, एक दो दिन बाद उनको आप अच्छे से जब वो मिल जाएगा पानी में तो उसके बाद उसको आप एक एक गिलास करके सभी में लगा भी सकते हो। आपने ज़्यादा क्वान्टिटी डालनी, आपने जो DAP है वो ज़्यादा नहीं डालना है, आपने हल्का हिस्से ही डालना है। अगर ज़्यादा डाल दोगे तो आपके पौधे को नुकसान हो जाएगा, इनकी रूट्स हैं वो गलना स्टार्ट हो जाएगी, तो इस चीज़ का अपने खास ध्यान रखना है। 15 दिन बाद आप अपने पौधे को DAP लगाएं गुलाब के पौधे को। अभी इस मौसम में इनके ऊपर जो नए फटारे आते हैं, जैसे देख सकते हो ये काफ़ी नए फटारे आए हुए हैं, अभी इनकी ब्रांचेस बढ़ने का जो बिल्कुल सही टाइम है। अगर आप अपने पौधे के ऊपर ये सभी काम कर दोगे तो आपका पौधा अच्छा खासा हो जाएगा और उनके ऊपर फ्लावर्स भी अच्छे से आ जाएंगे, तो आपका पौधा काफ़ी अच्छा भी लगेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना, ताकि दोस्तों हम आने वाली और वीडियो के बारे में आपको बता सकें।